मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है रॉयल कैसल में किंग अपनी फैमिली के साथ स्टार्स देख रहे होते हैं। किंग अपने किड्स को स्टार स्टोन के बारे में बताते हैं जो स्टार शेप के स्टोन्स होते हैं और ग्लो करते हैं, और वो स्टोन सिर्फ स्वैम रॉक हेल्प पे मिलते हैं। तो वे अपनी फैमिली को बताती है कि हमारा बटरकप ट्रिप नेक्स्ट वीक पहुँच आ रहा है। तो पिया एम्बर को भी इनवाइट करती है, कहती है हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। एम्बर मना कर देती है क्योंकि एम्बर आउटडोर्स जाना पसंद नहीं होता। बट किंग मिरांडा सब मिलकर एम्बर को कन्विंस करते हैं, कहते हैं तुम जाओ तुम्हें वहाँ मज़ा आएगा। फाइनली सबके फोर्स करने पर एम्बर मान जाती है। तो पिया एम्बर को कहती है देखना तुम बहुत इंजॉय करोगी। नेक्स्ट वीक सब जाने के लिए रेडी होते हैं। एम्बर अपनी मॉम की बात नहीं मानती और ट्रिप पर जाने के लिए बहुत फैंसी गाउन पहन के आ जाती है। मिस हेलन एम्बर को बटर का प्रेस देती है, कहती है ये कंफर्टेबल है ये पहनो। एम्बर मना कर देती है। एम्बर अपनी मेट्स को सूटकेस के साथ बुलाती है। मिस हेलन कहती है तुम मेट्स को साथ लेके नहीं जा सकती। मिस हेलन एम्बर को बैकपैक देती है जिसमें कैंपिंग गियर होते हैं। एम्बर बैकपैक में अपनी कुछ चीज़ें और गाउन रखती है जिसकी वजह से बैकपैक हैवी हो जाता है। एम्बर सोफिया को कहती है कैरिज कहाँ है। सोफिया कहती है हम चल के जाएंगे। एम्बर ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। सब हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। एम्बर को हाइकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। एम्बर कहती है ये बहुत टफ है। रूबी और जेड मौसी द स्वैम्प मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। एम्बर मॉन्स्टर का सुन के डर जाती है। सोफिया एम्बर को कहती है स्वैम्प मॉन्स्टर बस एक लेजेंड है, आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि वो रियल है। रूबी और जेड कहते हैं हम मॉन्स्टर को ढूंढ के इन चांसियाँ ले जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे। सडनली एम्बर रॉक से टकरा जाती है और एम्बर का शू टूट जाता है। मिस हेलन एम्बर को बूट्स देती है बट एम्बर पहनने से मना कर देती है। सोफिया एम्बर को कहती है इन्हें पहन लो, ये तुम्हारे फूड्स के लिए बेटर हैं। और फाइनली एम्बर बूट्स पहन लेती है। सोफिया एम्बर को ट्रबल विसल देती है, कहती है अगर तुम ट्रबल में हो तो इसे यूज़ करना। एम्बर विसल ब्लो करती है, सब एम्बर के पास आते हैं। एम्बर कहती है इमरजेंसी ये है, मैंने बूट्स पहने हैं। सोफिया कहती है ये इमरजेंसी नहीं थी। दूसरी बटरकप्स को ये हिलेरियस लगता है कि एम्बर पापाज गर्ल है। सोफिया एम्बर को बताती है आज रात हम कैंपिंग करेंगे। एम्बर ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ रूबी और जेड के कुछ ट्रैक्स नज़र आते हैं, दोनों ट्रैक्स को फॉलो करती हैं पर ट्रैक्स फिनिश्ड हो जाते हैं। तभी मिस हेलन सबको बुलाती है, रूबी और जेड जाते हैं और कोई वियर्ड क्रिएचर सबको छुपके दिखता है। मिस हेलन कहती है अब टाइम है स्पेशल ट्रीट का। सब क्यूरियस हो जाते हैं। मिस हेलन फ्रूट खाती है और फ्रूट करने लग जाती हैं और सबको ट्राई करने को कहती हैं। सब जाते हैं। सोफिया एम्बर को भी चलने को कहती है बट एम्बर मना कर देती है। सब इंजॉय करते हैं, सोफिया भी फ्लोट करती है और एम्बर को फ्रूट टेस्ट करने को कहती है। सडनली एक स्कंक एम्बर पे स्प्रे कर देता है। एम्बर ट्रबल विसल ग्लो करती है। मिस हेलन कहती है इट्स ओके, डरो मत, स्मेल करके देखो एक बार। एम्बर स्मेल करती है, कहती है स्कंक की स्मेल नहीं है। मिस हेलन कहती है क्योंकि ये स्कंक स्वीट स्मेल करता है और ये सिर्फ यहाँ ही होता है। एम्बर को स्मेल बहुत पसंद आती है। सब आगे बढ़ते हैं। रूबी और जेट को एक वॉइस सुनाई देती है, दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं, कहती हैं ये मॉन्स्टर है। दोनों देखने चाहती हैं बट वहाँ आउल होता है। मिस हेलन कहती हैं इनो तुम दोनों मॉन्स्टर को लेके बहुत एक्साइटेड हो, हमें एक साथ रहना है। सोफिया एम्बर को कहती है हम आज यहाँ कैंपिंग करेंगे और सोएंगे। एम्बर शॉक्ड हो जाती है, कहती है नो फैदर बेड नो सेल्फ कम्फर्ट्स। दूसरी बटरकप्स को बिलीव नहीं होता कि एम्बर एक बिग बेबी है। एम्बर देखती है सब बटरकप्स ने अपना टेंट लगा लिया है। एम्बर कहती है मैं अपनी बैकपैक से कुछ लेके आती हूँ। सोफिया समझ आती है। सोफिया एम्बर को स्टॉप करती है। सोफिया सॉन्ग गाना स्टार्ट करती है और एम्बर के बैग से एम्बर के सारे गाउन्स निकालती है। बटरकप्स भी एम्बर को इनकरेज करती हैं। फाइनली एम्बर को समझ आ जाती है। एम्बर अपने गाउन्स की हेल्प से अपना टेंट लगा देती है और टेंट पिंक और ब्यूटीफुल होता है और नाइस स्मेल करता है। एम्बर कहती है क्योंकि स्कंक इसके अंदर है। सब एम्बर के टेंट के अंदर जाते हैं। बॉनफायर पे फाइनली एम्बर इंजॉय करती है। सब मार्शमेलोज़ खाते हैं और स्टार्स को देखते हैं। सोफिया सबको बताती है एम्बर को स्टार्स की बहुत नॉलेज है। सब एम्बर के पास जाते हैं। एम्बर सबको स्टार्स के बारे में बताती है।
नेक्स्ट डे सब स्वैम्प रॉक हिल पहुंच जाते हैं। एम्बर कहती है स्टार स्टोन कहाँ है। मिस हेलन कहती है वो रॉक्स में हिडन है, जाओ सब मिलके ढूंढो। स्टार स्टोन ढूंढते हुए एम्बर मर्ड में गिर जाती है। एम्बर बाहर आती है। रूबी और जेट कहती हैं ये मॉन्स्टर है। सोफिया कहती है नो ये एम्बर है। एम्बर बहुत गुस्सा हो जाती है। मिस हेलन एम्बर को काम डाउन करती हैं, बट एम्बर कहती है नो मैं घर जा रही हूँ। सोफिया मिस हेलन को कहती है डोंट वरी मैं एम्बर को वापस आती हूँ। सोफिया एम्बर को रोकने का ट्राई करती है बट एम्बर नहीं मानती। दूसरी तरफ रूबी और जेड मॉन्स्टर को देख लेते हैं और मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं। मिस हेलन और बटरकप रूबी और जेड को रोकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली सब एक बॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। मिस हेलन विसल ब्लो करती है। सोफिया कहती है सब ट्रबल में है। एम्बर को कहती है तुम जाओ बट मैं उनकी हेल्प करने जा रही हूँ। सोफिया मौसी को देख लेती है और छुप जाती है। एम्बर सोफिया को कहती है मैं भी हेल्प करूँगी। सोफिया और एम्बर मौसी को डराते हैं। मौसी डर जाती है। एम्बर सोफिया मौसी के पास जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं हमारे फ्रेंड्स ट्रबल में हैं। मौसी कहती है मैं हेल्प करती हूँ। मिस हेलन सोफिया को कहती है तुम कैसे हेल्प करोगी। सोफिया कहती है लिटिल हेल्प है। सब मौसी को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मौसी की हेल्प से सब बाहर आ जाते हैं। फाइनली रूबी और जेड मौसी की ड्राइंग बना लेते हैं। मौसी सबको स्टार स्टोन दिखाती है। सब स्टार स्टोन्स ढूंढ लेते हैं। सब वापस जाते हैं और फाइनली एम्बर बटरकप बन जाती है। यूनिफॉर्म और बैज लगा लेती है। सोफिया एम्बर को लेके बहुत हैप्पी होती है। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।